नमस्कार दोस्तों, खट्टा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खट्टा जो साहित्यकार हैं उनका जो जीवनी पढ़ना था हम लोगों को, उसमें से एक है विश्वनाथ नागर, इनके बारे में पढ़ना था। यहाँ पे कुछ नोट्स हैं जिसको आप पढ़ लीजिए। इनका परिचय पढ़ते हैं हम लोग। जन्म हुआ था 7 जनवरी 1939 को, साधारण से किसान परिवार में इनका जन्म होता है। पता कहाँ था इनका, कहाँ जन्म हुआ था? गांव का नाम था मुदा, जिला धनबाद। पिता का नाम जादू रवानी, माँ का नाम फूलमणि देवी। शिक्षा इंटर तक पढ़ाई किए थे। पेशे से किसान थे, किसान परिवार में थे, और साहित्य में इनका जो प्रवृत्ति था वो था छायावादी, आत्मनिष्ठ और भाव अभिव्यक्ति का। इनकी कुछ कृतियाँ हैं जिनके बारे में नीचे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, यहाँ कुछ शॉर्ट में थोड़ा जानकारी के लिए पढ़ लीजिए। एक है रांगा लाठी, 1961 से लेके 1969 तक जो कविताओं था उनका संग्रह है, ठीक है। दिनर पाता, ये भी कविता संग्रह है। सुलक्साय, महाभारत के पात्र कर्ण के जीवन पर आधारित है। जिस तरह से उद्वासल कर्ण है ना, उसी तरह से ये भी है, ठीक है। कर्ण के बारे में लिखा गया था, वह भी खंड काव्य था, यह भी खंड काव्य है, ठीक है। इस खंड में 11 सर्ग हैं। एक और है खय्याम के मधुर गीत, इसमें खय्याम की रुबाइयों का खट्टा अनुवाद किया गया है। खय्याम क्या है? एक गीतकार हैं। झींगा फूल, नागर जी की गीतों का संग्रह है, ये अप्रकाशित है। झींगा फूल जो है वो अप्रकाशित है, ये प्रिंट नहीं हुआ है। पत्र पत्रिकाओं में लेख, अपनी किताब के अलावे डेली के जो पेपर होते थे, पत्रिका होते थे, उनमें भी इनके लेख छपते थे, जिसमें से नागर जी के लेख समय समय पर भिन्न भिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे। धनबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका दैनिक आवाज़, इनके कुछ प्रमुख लेख छपे जो निम्नलिखित हैं। एक पत्रिका पत्र है, पत्रिका है दैनिक आवाज़, इसमें इनका लेख छपा था, जिसमें था दक्षिणी बिहार की लोक भाषा खट्टा। यहाँ पर दक्षिणी बिहार क्यों लिखा है, ठीक है। धनबाद को देखिएगा, जब संयुक्त बिहार था, बिहार झारखंड एक था, तो ये बिहार के हिसाब से दक्षिण की ओर है, इसीलिए इसको दक्षिणी बिहार कहा गया है। ये छपा था 7 जून 1992 को, 7 जून 1992 को, 22 नहीं 92, क्योंकि 39वें जन्म होता है इनका। छोटा नागपुर के घर आंगन की बोली खट्टा, ये 8 से 15 नवंबर 1992 को छपा था। खट्टा भाषा के ऊपर हिंदी भाषा में लिखी गई इनकी एक पुस्तक है, खट्टा भाषा का लोक साहित्य एक विवेचन, ये भी किताब ये लिखे हैं, ठीक है। विश्वनाथ नागर जी का जन्म धनबाद जिला के मुदा गांव में एक साधारण किसान के यहाँ 7 जनवरी 1939 को पूस माह में जादू रवानी और फूलमणि देवी के घर हुआ, इसी में सारा बता गया। इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अधिक तो नहीं हो पाई, मगर इंटर तक की पढ़ाई इन्होंने पूरी की, ठीक है। वह समय था 1960 के आसपास का, जब धनबाद क्षेत्र से अपनी भाषा संस्कृति को बचाने और आगे बढ़ाने हेतु कुछ भाषा संस्कृति प्रेमी आगे आए। इनके केंद्र में थे श्रीनिवास पानोरी और इर्द गिर्द थे विश्वनाथ दसंधी राज, नारायण महतो, नरेश नीलकमल और हमारे विश्वनाथ नागर जी। केंद्र बिंदु थे श्रीनिवास पानोरी, लेकिन इनके आसपास में ये लोग भी थे मौजूद। इन सबों ने मिलकर 1957 ईस्वी में लोक सेवा संघ और खट्टा साहित्य समिति बनाया। 1957 ईस्वी में ही आकाशवाणी रांची की स्थापना हुई थी। इन सबों की, जिसमें हमारे नागर जी भी थे, रचनाएँ आकाशवाणी से प्रसारित होने लगी, ठीक है। 1957 में लोक सेवा संघ और खट्टा साहित्य समिति बनाया गया। इसके बाद से 57 में जब आकाशवाणी रांची की स्थापना हुई, तब से आकाशवाणी से खट्टा में प्रसारण होने लगा। विश्वनाथ नागर जी को श्रीनिवास पानोरी जी ने खट्टा साहित्य समिति का सचिव नियुक्त किया था, ये इम्पोर्टेंट है। विश्वनाथ नागर जी को श्रीनिवास पानोरी जी ने खट्टा साहित्य समिति का सचिव नियुक्त किया था। जो समिति बनाया गया था उसके ये सचिव थे। नागर जी स्वभाव से बड़े सीधे साधे और
थे। रंगालाठी में प्रकाशित अपनी एक कविता भादर मास साक्षी में उन्होंने अपने विषय में लिखा है, बहुत सीधे साधे थे, साधारण मनुष्य थे। अपने बारे में लिखा है रंगालाठी में, नागर जी के विद्यार्थी जीवन की रचनाओं को छोड़ दिया जाए तो पूरे जोर शोर से इनकी रचनाओं का आरंभ हम 1961 ईस्वी से मान सकते हैं, जो अभी तक जारी है। अब यहाँ पर एक नज़र हम लोग विश्वनाथ नागर जी के कृतियों पर देख लेते हैं। रंगालाठी ये इनकी पहली कविता संग्रह है जिसमें 1961 से 1969 तक की रची गई कविताओं का संग्रह है। 1961 से लेके 1969 तक के जो कविताएं रचना किया गया उसको एक जगह संकलित करके रंगालाठी बनाया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह इनका पहला कृति है। कला और संस्कृति के उद्देश्य से संबंध में दो मुख्य सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं विद्वानों ने, कला के लिए तथा कल जीवन के लिए मानवता के लिए, मानव के लिए। कला, ठीक है, कला जीवन के लिए, कला मानव के लिए। कलाएं स्थूल भी होती हैं और सूक्ष्म भी होती हैं। सूक्ष्म कलाओं के अंतर्गत साहित्य की गणना की जाती है, काव्य की। इस साहित्य का उद्देश्य है मानव मस्तिष्क का मनोरंजन प्रदान करना, मानव मस्तिष्क को, चूंकि यह मस्तिष्क शरीर का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है और इसका निवास शरीर में होता है, इसलिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से साहित्य मानव शरीर से भी जुड़ जाता है, उस शरीर से जो भौतिक तो है ही स्थूल भी है। अतः साहित्य के दोनों धर्मों का मान समान महत्व है, ठीक है, ये कथन है, विचार है नागर जी का। रंगालाठी कविता संकलन साहित्य और कला के दोनों उद्देश्यों को समान महत्व देने वाली कविताओं का संकलन है। रंगालाठी कविता में दोनों कला, साहित्य कला का से एक महत्व देने का कविता संकलित है। इसमें कला, कला के लिए और कला, कला का मानव जीवन के लिए दोनों सिद्धांतों का परिपक्व हुआ है। ऐसा समग्र खोट्ठा साहित्य मानव जीवन के भौतिक पक्ष से ही जुड़े हैं, इसी कारण उच्चता ग्रंथि की और हीनता ग्रंथि का शिकार बनकर रह गया। साहित्य से अधिक वह राजनीति बन गया जहाँ क्रांति, संघर्ष और विद्रोह का आह्वान विशेष रूप से किया गया है, इसलिए किताब ये दब जाता है, लोगों तक पहुँचता नहीं है, प्रचलित नहीं होता है। और उस समय शिक्षा भी कुछ कम था, लोग कम पढ़े लिखे थे, बहुत लोग अनपढ़ थे। इस संकलन में संकलित उठाई ली है कोरा, टूटा गीत सुनाई गल, तौर इंगित दर्द डूबल, इंगित पाए भादर मस सची, गीत ओहीं गावे ले दी हैं, डहर चला दाय भैल आदि कुछ कविताएं सूक्ष्म साहित्यिक भावों का चित्रण करती है। और शेष कविताएं जैसे रहल धोती रांगल, पुराण ठेंगा भंगा, हतो भैगा, हामे जे बैरागिक जायत, दुर्दशा नियोति आदि कविताएं स्थूल भौतिकता का चित्रण करती हैं। कुछ कविताएं हास्य व्यंग की का भी लिखा गया है। कुछ अन्य प्रकार की भी कविताएं हैं। इस प्रकार यह काव्य सूक्ष्मता, उपयोगिता, स्थूलता सभी के भावों को चित्रित करता है। यह एक संतुलित काव्य है। ये लिखा गया है किसके बारे में? रंगालाठी के बारे में, ठीक है, जिसमें कविताओं का संग्रह है और इनका यह पहला कविता संग्रह है। इसका रचना कब हुआ था, इसमें कब कविताएं हैं? 1961 से 1969 के बीच की कविताओं का संग्रह है, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है सुलक्षाय का। सुलक्षाय क्या है, जान रहे हैं? ये महाभारत के जो कर्ण हैं उनके बारे में लिखा गया है, जिस तरह से उद्भासर कर्ण लिखा गया है। यह एक उच्च कोटि के काव्य रचना है, खंडकाव्य है। इसकी भूमिका में नागर जी ने लिखा है, इसकी भूमिका नागर जी ने लिखा है। भूमिका में क्या लिखा है, जब भूमिका लिखते हैं ना उसमें क्या लिखा है पढ़िए। कर्ण कथा की प्रासंगिकता के प्रति मैं इतना ही कहूँगा कि कर्ण भारत के अंग जनपद का राजा था। उसकी समकालीन राजधानी वर्तमान भागलपुर की चंपा नगरी या चंपापुरी थी, कुरुग्राम या कर्णग्राम, ठीक है, यही था। इस तरह झारखंड के इतिहास पुरुष के रूप में मैंने कर्ण को पाया है। भागलपुर का ये रहने शासक थे उस समय। विश्वनाथ प्रसाद नागर द्वारा प्रणीत रचना सुलक्षाय खंड काव्य है। सुलक्षाय शब्द का शाब्दिक अर्थ है अग्निपुत्र, गुदड़ी के लाल, वह ज्योति पुंज जो किसी परिवार, समाज, राष्ट्र और राष्ट्रीयता को प्रकाशित करे। बहुत ध्यान से पढ़िए इसको, इम्पोर्टेंट है। यह रचना महारथी कर्ण के जीवन पर आधारित है। नागर जी इस रचना में युग की पीड़ा, कसक, टीस की
अभिव्यक्ति हुई है। वह कर्तन, राधेय, वसुसेन, वृषभ, प्रतिसूर्य, ये सब नाम हैं कर्ण के। बहुत इम्पोर्टेंट है ना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, जिक्र किया गया है। खोट्ठा में इसी कर्ण को सुलक्षाय कहा गया है। सुलक्षाय जननायक था, वह प्रजाजनों का हित साधक था, क्योंकि वह अंग जनपद का प्रतिनिधि था, वह दानी था, व्रती था, भीष्म प्रतिज्ञ था, पुण्य के रथ की सवारी करने वाला था, वह महाबली था, वह महान धनुर्धर था, किंतु समाज की उपेक्षा का शिकार था। अधिरथ के घर पर पाले पोसे जाने के कारण उसे सूत पुत्र कहा गया। कुंती के गर्भ से उत्पन्न सूर्य पुत्र कर्ण जीवन पर्यंत उपेक्षा और तिरस्कार का दंश झेलता रहा। कर्ण अपने जीवन काल में अपने ही अंदर घुटता टूटता और अपमान का विष पीता रहा, क्योंकि वह सब कुछ जानते हुए भी वह अपना परिचय नहीं दे पाया। सुलक्षाय खंड काव्य में उसी उपेक्षित, तिरस्कृत, उद्भासन और उच्चिष्ट कर्ण को नायक बनाया गया है। उस नायक में प्रासंगिकता लाई गई है। द्वापर के और महाभारत के कर्ण को आधुनिक जीवन की विसंगतियों के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। कुलानुरूप सामाजिक भेदभाव का प्रतीक होने के कारण कर्ण प्रासंगिक बन गया है। रश्मि रथी का कर्ण, सुलक्षाय का कर्ण एक जैसा है। कर्ण के तेज से मुग्ध होकर परशुराम कहते हैं, ये सब लिखा हुआ है उसमें किताब में, हमें भीतर से गदराय गेलो, आज तोरा देख अपन घर है, मन हमर कते निर्मल पीतल भैल, घूर फागुन थपकवे रहे करे करे। तो के रे पूत कह चाड़ कर, लालचे देही देख ई पहले कहाँ, तोर अंग अंग धमके धमके हले अते दिन घर नुकेल कहाँ, देही ऐसन छरहरा सोटायल, सौ कोसे अकोजन दिखाई नाय, कौनो राजकुले कहाँ पूत ऐसन कि घुर पटपटली पटली पूत गंगा माय। ठीक इसी के विपरीत द्रोणाचार्य ईर्ष्यावश उस तेजयुक्त कर्ण को अज्ञात कुलशील का आधार पर अपमानित करते हैं। कर्ण के गुरु होते हैं, ठीक है, परशुराम। उन्होंने इनके बारे में लिखा है, अच्छा लिखा है, तारीफ किए हैं। उसी के उल्टा जो गुरु थे द्रोणाचार्य, चूँकि ये जानते थे, इनका काम था कि ये केवल राजवंश के राजाओं को, राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे, और ये तो राजकुमार था नहीं, भगा दिए थे इसको डांट टपट के, ठीक है। धनुक बांध तोरा की सब तो तोय जे भैले सुतपुत, तोर हाथे कदर गायत हार फार के फूल कपूत, जो जो रे करण तोय घुरल घर, तोर ख्यात जहाँ हो दू किता, गाँव घर एक संगति साथी, हित कुटुम माता पिता। तुम वहीं पर जाओ जहाँ तुम्हारा घर है, यहाँ तुम्हारी जमीन है, यहाँ तुम क्यों आया है, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। ये किसने कहा? द्रोणाचार्य ने कहा। आगे, खय्याम की मधुर रुबाइयों को नागर जी ने खोट्ठा में अनुवाद करने का काम किया। यह एकांत भाव का मधुर गीत है। झींगा फूल नागर जी की गीत संग्रह है, मगर दुर्भाग्यवश इसका रचना अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। नागर जी की साहित्यिक प्रवृत्ति आप पढ़ चुके हैं अभी, छायावादी है, आत्मनिष्ठ है और भाव व्यक्ति का है, ठीक है। कुछ यहाँ पर गीत लिखा हुआ है, इसका PDF शेयर कर दूँगा टेलीग्राम में, आप वहाँ से पढ़ लेंगे। जिस समय सभी झारखंड की समस्याओं से परेशान होकर उसे अपने लेखनी का विषय बना रहे थे, उस समय नागर जी इस मार्ग से भटक कर प्रकृति की सुंदरता का चित्रण कर रहे थे और अपने मन के भावों को अपने रचनाओं में अभिव्यक्त कर रहे थे, है ना, भाव व्यक्ति। इस बात का वर्णन अपनी एक कविता में उन्होंने स्वयं किया है। कैसे किया है? आचार विचार छोड़ हमें डहर छड़ा भैलो, रौदक जलाए छाहुर खोजे इंदा चेल अलो। नागर जी की रचनाओं में खोट्ठा भाषा के व्यक्ति क्षमता दृष्टिगोचर होती है। इनकी कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्हें सुर ताल के साथ अच्छी प्रकार से गाया जा सकता है। इनकी काव्य रचनाएं अद्वितीय और उत्कृष्ट हैं। नागर जी के जैसा एकांत भाव और प्रकृति का चितेरा और कोई नहीं हो सकता है। भले ही नागर जी की रचनाएं समय की मांग के अनुसार नहीं है, फिर भी इनकी रचनाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि खोट्ठा भाषा के व्यक्ति क्षमता अकूत है, ठीक है। अब इनसे जुड़े कुछ सवाल भी हैं, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे हम लोग। नागर जी हला मैट्रिक, इंटर, BA या MA, तो इंटर पास, ठीक है। नागर जी के कौन ठामक
रहवैया हल्थिन, मुदा गांव धनबाद, बरबड्डा धनबाद, बैदमारा बोकारो, अखेरा चतर बोकारो, आंसर क्या होगा एक नंबर। नागर जी का जन्म किस साल होता है? 25 दिसंबर 1920, 7 अक्टूबर 1939, 20 जून 1939 या 7 जनवरी 1939। आंसर होगा डी नंबर, 7 जनवरी 1939, ठंडा के समय में, पुष महीने के समय में। नागर जी के बापक नाम लगाए मुखराम रवानी, जादू रवानी, तिलेश्वर रवानी या अकलू रवानी, क्या होगा जादू रवानी। नागर जी लेतार गलत छाटा, इनके बारे में कौन सा गलत है? इनकर जन्म 7 जनवरी 1947 में भेल हल, इनकर मायक नाम फुलमणि देवी है, ये भेंडरा बोकारो के हथिन, ये इंटर तक पढ़ल हथिन। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, यानी इसके आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है। इनके बारे में ये गलत है, भेंडरा बोकारो के नहीं बल्कि मुदा धनबाद के थे, मुदा या भुदा हो सकता है। कैसन परिवार है नागर जी के जन्म भेल हल, साधारण चाचा घर है, तेलियाल चाचा घर है, तेलियाल नेता घर है या कोई नहीं, आंसर क्या होगा एक नंबर, साधारण चाचा घर है, सिंपल किसान थे साधारण किसान के पिताजी, साधारण किसान थे। सुलग साय कैसन रचना लगे, खंड काव्य, गीत संग्रह, कहानी गोच या कोई नहीं, क्या है ये खंड काव्य है, किसके बारे में लिखा गया है कर्ण के बारे में। नागर जी की रचना नखय, मैलाल हवा, सुलग साय, झिंगा फूल, रंगा लाठी, कौन सा है जो नागर जी का रचना नहीं है? एक नंबर मैलाल हवा, ये नहीं है, क्योंकि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 9, नागर जी पहल कविता संग्रह किताब छाटा, पहला जो इनका कविता संग्रह था वो कौन सा था? सुलग साय, झिंगा फूल, रंगालाठी, दिनल पता, आंसर होगा रंगालाठी, ठीक है। 1961 से 1969 के बीच में जो कविताएं लिखा है गया है उसी को इसमें संकलित किया गया है। आगे देखिए, नागर जी कौन रचना खोटाएं उल्था लागे, रंगालाठी, सुलग साय, खैयाम के मधुर गीत या झिंगा फूल, इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा सी नंबर, खैयाम के मधुर गीत, ठीक है। झिंगा फूल के लेता रहे गलत के छाटा, ई नागर जी गीत संग्रह ला गई, ई अखन ले छपल नखई, ई रचना खोटा उल्था ला गया, ई विश्वनाथ नागर जी की रचना ला गया, इसका आंसर ये होगा, जो गलत है वो ये होगा, छपा नहीं है, ये छप चुका है, ठीक है। तो हमारा आंसर बी नंबर होगा, इस सवाल का जवाब बी नंबर होगा। अब देखिए सवाल नंबर 12, सुलग साय के लताए ना सही के छाटा, ये खंड का रचना लगे, ये महाभारत के पात्र कर्ण पर आधारित है, ये विश्वनाथ नागर जी की रचना लगे, सभी सही है, आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, सब सही है, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 13, विश्वनाथ नागर जी की साहित्यिक प्रवृत्ति लगे, छायावादी, आत्मनिष्ठ, भाव व्यक्ति, ए आर बी डी ओ, अगर में कोई ना, आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, दोनों है, छायावादी, आत्मनिष्ठ और भाव अभिव्यक्ति, ठीक है। सवाल नंबर देखिए 14, नागर जी सचिव हला, नागर जी सचिव किसका थे, किस चीज़ का सचिव थे, खोटा साहित्य समिति, खोटा उत्थान समिति, खोटा लोकभाषा समिति या कोई ना, आंसर क्या होगा एक नंबर, खोटा साहित्य समिति, सचिव कौन बनाए थे, श्रीनिवास पानूरी जी। सवाल देखिए 15 नंबर का, सुलग साय खंड काव्य में कई गो सर्ग है, 8, 9, 1 या 11, आंसर क्या होगा 11। सवाल नंबर 16 देखिए, नागर जी कहिया से खोटा जगत में अइला, नागर जी खोटा जगत में कब आए, 1955, 1958, 1960 या 1961, ठीक है, आंसर क्या होगा डी नंबर, 1961, ठीक है। ये थे हमारे विश्वनाथ नागर जी, कुछ जानकारी आपको शेयर किए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फ़ायदा होगा इससे। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।